हेलो एवरीवन, आज मैं आपको बताऊंगा कोड ब्लॉक डाउनलोड करना। तो आपने सीख लिया होगा, मेरा पहला वीडियो देखा हो तो, बट अगर नहीं देखा हो तो मैं वापस बता दूँ। कोड ब्लॉक आप जैसे डालोगे, ये वेबसाइट ओपन होगी, यहाँ पे डाउनलोड के बटन पर जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पे फिर आएगा डाउनलोड द बाइनरी लिस्ट। डाउनलोड द बाइनरी लिस्ट पर जैसे क्लिक करोगे तो ये MinGW सेटअप EXE, इसको यहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। डाउनलोड करने के बाद इंस्टॉल कीजिए, और इंस्टॉल करने के बाद नेक्स्ट करने के बाद ये आएगा कि डू यू वांट टू रन द कोड ब्लॉक नाउ। कोड ब्लॉक नाउ को रन कर दीजिए, कंप्लीट हो चुका है, एंड फिनिश कर दीजिए, नेक्स्ट, फिनिश। तो ये रन होने जाएगा द ओपन सोर्स क्रॉस प्लेटफॉर्म IDE कोड ब्लॉक, जिसमें आप C++ के कोड क्रिएट कर सकते हो। और कैसे क्रिएट करना है वो भी आगे आने वाले वीडियो में मैं सब कुछ बताऊंगा। और यहाँ पर आप C++, PHP, जावा, एंड्रॉइड, iOS आपको पढ़ना है तो आप इस चैनल को लाइक कर लीजिए, कमेंट कर लीजिए, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ठीक है। करंट डिफॉल्ट कंपाइलर GNU GCC कंपाइलर, ओके, हमारा करंट कंपाइलर कोई नहीं करिए, पूछे तो आपको सेट कर देना, देखते हैं डाउनलोड हो जाए तो अच्छा ही। सही है, डाउनलोड हो चुका है, और मेरा सिस्टम में ही थोड़ा इश्यू है शायद। चलो चलो, डाउनलोड हो चुका है। नोली कोड ब्लॉक इज करंटली नॉट द डिफॉल्ट एप्लीकेशन फॉर C++, सो डू यू वांट टू सेट इट डिफॉल्ट? ओके, यस, एसोसिएट कोड ब्लॉक विद C++ डिफॉल्ट में, डिफॉल्ट C++ का सेलेक्ट कर लिया। जैसे फाइल में जाओगे, ठीक है, उसके बाद न्यू फाइल, चलिए फाइल में जाओगे, माउस कर दे रहा मेरे, फाइल, न्यू फाइल, सो मैंने C++ सोर्स लेना है यहाँ पे, ठीक है, सिलेक्ट करना और गो कर देना। और वेलकम द न्यू C++ सोर्स फाइल, दिस विजार्ड विल गाइड टू क्रिएट अ C++ सोर्स फाइल, व्हेन यू आर रेडी टू प्रोसेस प्लीज क्लिक नेक्स्ट। सी कौन सा चाहना, सी, मैं सी के प्रोग्राम बनाऊंगा। फुल फाइल नेम विथ पाथ, फाइल नेम विथ पाथ, जैसे ए, ठीक है। आपको ये कोड कहीं सेव करना, फाइल का पाथ भी देना पड़ेगा, तो जैसे मैंने ए का नाम दे दिया, ठीक है, फाइल नेम ए, ठीक है। ये मैं कहाँ सेव करूँगा, तो मैंने, चलो डॉक्यूमेंट पे नहीं करते अपन, ई पे करते हैं। सी कोड नाम से मैंने एक फोल्डर बना रखा है, ये इसको ओपन करते हैं, और यहाँ पे a.c नाम से इससे हो जाएगा, तो a.c नाम से सेव हो गया। और एड फाइल टू अचीव प्रोजेक्ट टारगेट, ठीक है, यहाँ से ये सेव हो गया, ठीक है। अब यहाँ से अपन कोड क्रिएट करते हैं, तो हैज इंक्लूड, ठीक है, stdio.h int main, ठीक है। हम फर्स्ट प्रोग्राम क्रिएट करते हैं, ठीक, तो प्रिंट, print प्रिंट हेलो वर्ल्ड, हेलो wrld, हेलो वर्ल्ड, और गेट ch, करेगा या नहीं करेगा इसमें देखना पड़ेगा। आप बिल्ड पे वर्जन पे जाइए, बिल्ड कर दीजिए, कंट्रोल प्लस F5, तो एरर तो नहीं है कुछ, चेक कर लीजिए, ठीक है। मैसेज नो टारगेट, एक्चुअली कुछ एरर आ रही थी क्योंकि INT लिखा, तो INT इंटीजर तो कुछ रिटर्न वैल्यू करता है ना, तो रिटर्न 0 लिखना पड़ेगा ना, रिटर्न 0। मैंने वहाँ क्या लिखा, और प्रिंट प्रिंट स्पेलिंग गलत, मिस्टेक कर दी मैंने। फिर आप बिल्ड कीजिए, जैसे आप बिल्ड करोगे, अगर बिल्ड हो गए तो आपको हेलो है आउटपुट में डायरेक्टली शो कर सकते, ठीक, रन बटन पर क्लिक कर दीजिए, ये हेलो वर्ल्ड आ गया, आपका आउटपुट यहाँ स्क्रीन पर शो हो गया, ठीक है। तो इस तरह से आपका कोड बनता है यहाँ पर। अगर आपको न्यू फाइल फिर लेना है तो यहाँ से न्यू कीजिए, एम्प्टी फाइल ले लीजिए,
एमपी फाइल ले लीजिए, इसको सेव कहाँ करना है, एक्चुअली इस फाइल में गए, फाइल में गए, सेव फाइल कर, सेव फाइल करने के बाद आपको किस फोल्डर में, मेरे फोल्डर का वही आ रहा जैसे पी डॉट सी, तो ये आ गया अब यहाँ आपका, ठीक है। नो टारगेट नॉट प्रोजेक्ट का एरर दे रहा है, तो कोई बात नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि सिलेक्ट करना ही जरूरी है, तो डिपेंड अपने पे पता है, ठीक है। तो आज का एपिसोड में से यही समाप्त करता हूँ, आगे आने वाले वीडियो और भी देखते रहिए, जिसमें सी के कोड आपको सिखाए जाएंगे, एक सी प्रोग्राम, आईओएस, एंड्रॉइड, जावा। थैंक यू दोस्तों।